नवभारत की ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और आज के इस वीडियो में हम आंख से जुड़ी समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं। चश्मे से छुटकारा कैसे पाएं, ये आजकल सभी के मन में चल रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशि कपूर। डॉक्टर साहब, नवभारत की ओपीडी में आपका स्वागत है। नमस्कार अनिल जी, और सब दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। शहरों में या ग्रामीण इलाकों में भी आजकल हम आधुनिकता के दौर से गुजर रहे हैं। उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। हाथों में मोबाइल है, घर में टीवी, स्कूल या ऑफिस में लैपटॉप, ये सारी चीजें आजकल बच्चे भी इससे एक्सपोज हो रहे हैं, बड़े भी और बुजुर्ग भी। तो ऐसे में खासकर हम अगर बच्चों की बात करें तो आंखों में चश्मों का चलन बढ़ गया है। आंखों में नंबर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कई बार चश्मे की वजह से लोगों को समस्या भी होती है। लोग उससे छुटकारा भी पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही उपाय नहीं पता होता। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के चश्मे के नंबर हैं जिन्हें हम सर्जरी करके या फिर किसी और उपचार के तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो आपने कहा वो तो सही है। अभी कोविड के बाद भी बच्चों को भी बहुत ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए और सबका वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन हो गया और लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो गया। और नेचर का यही तरीका है कि अगर आप कुछ इस्तेमाल ना करें तो वो चीज़ वीक हो जाती है। तो जैसे पुराने ज़माने में ज़्यादा खेती होती थी, हंटिंग होती थी, तो दूर की नज़र की ज़रूरत होती थी। अब आपकी नज़र सिर्फ 8 फुट लैपटॉप, 8 इंच लैपटॉप या मोबाइल तक है, तो आप दूर की नज़र कम वापर रहे हैं और नेचर उसको वीक वीक करते जाता है। वो माइनस नंबर उसको बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, जिससे आपको नज़दीक दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। इसकी इलाज जब तक आप चश्मा पहनेंगे तो सही है, आपको दूर की नज़र आएगी। एक बार आप 18 साल के हो गए, यूजुअली ये नंबर स्टेबल हो जाता है और ये नंबर अप टू -5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी आपको अगर हटवाना हो, दो कारण, तीन कारण हो सकते हैं। एक तो सिंपल कारण है कि आपकी आंख वीक है, तो क्यों नहीं आपको पावर वापस लाना है वो आंखों में, वो पहली कारण है। आजकल बहुत जॉब्स ऐसे हैं जहाँ अगर आपका नंबर हो, चश्मे का नंबर बड़ा हो, तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। आप इवन सिंपल एग्जांपल, आर्मी, नेवी, पायलट, एयरलाइन, होटल इंडस्ट्री, बहुत इंडस्ट्रीज जिसमें ये अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन चश्मे की वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब सिचुएशंस में आज लेसिक जो नाम से ऑपरेशन जाना जाता है, तो ये ऑपरेशन में थोड़ी टेस्टिंग होती है कि आपकी आंख वैसे नॉर्मल है, कुछ और बीमारी नहीं है, सिर्फ चश्मे की बीमारी है। और अगर आप वो टेस्ट पास हो जाते हैं तो आपको ये लेसिक का फायदा होता है ऑपरेशन का। और उसमें ऑपरेशन भी कहना इतना बड़ा चीज़ नहीं है, आपको अगर सुबह को बुलाते हैं, एक लेज़र मशीन है जो माइक्रॉन्स में, अगर एक नंबर चश्मे का हटाना हो तो 12-13 माइक्रॉन का फर्क आपके आंखों के पर्दे में कर देता है। और बहुत सोफिस्टिकेटेड स्कल्पटिंग ऑफ द कॉर्निया जैसे करते हैं, और ये करके आपको एक गॉगल पहना के टोटल टाइम आप लेज़र रूम में 10 मिनट रहते हैं, और इसके बाद आपको कुछ 3-4 हफ्ते के लिए टीपे डालने पड़ते हैं, कुछ दवाई गोली या इंजेक्शन नहीं लेनी पड़ती है। आप अगर काम पे हैं, आप 3 दिन बाद काम पे जा सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप वापरना 3 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। और ये नंबर निकल जाना एक किस्म का पहले तो मैजिक जैसे था। कोई जिसका -4 नंबर है, चश्मा नहीं पहना हो, उसको 5 फुट से ज़्यादा नहीं दिखता था। अभी घूमते फिरते पूरा बम्बई से दिल्ली जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं बगैर चश्मे के। तो इसमें काफ़ी फायदे
हो गए, बहुत लोगों की बेनिफिट हुई है और 95% लोग फिट हो जाते हैं ये प्रोसीजर के लिए। जब भी आप उनकी टेस्टिंग करेंगे, उनका कॉर्निया का शेप देखेंगे ऑपरेशन के पहले, और तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर वो आए जब भी उनकी उम्र हो गई है 35-40, तो उनको एक नई बीमारी भी शुरू हो जा रही है। 40 के बाद उनको नज़दीक का भी नहीं दिखता है, पहले दूर का नहीं दिखता था। तो अभी दो बीमारी के साथ जब भी आते हैं तो भी उनको फायदा होता है कि वो नॉर्मल हो जाते हैं कि दूर दिखता है। फिर रीडिंग के लिए एक रीडिंग चश्मा जैसे पूरी दुनिया पहनती है वो वापर सकते हैं। जो रीडिंग नंबर 40 के बाद आता है वो निकलता नहीं, वो इस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन उसके लिए है जिनको दूर का नहीं दिखाई दिए। जो बीमारी यूजुअली स्कूल एज में आती है, कॉलेज एज में आती है, हाँ बेशक आपने कुछ इलाज ना किया हो, अभी आप 40 के हो, 45 के, 35 के, लेकिन वो किस्म की बीमारी जिसमें वो नंबर इतने सालों से आपको था, आप दूर की नजर नहीं थी, तो वो हट सकती है। और बहुत सारे ऑफकोर्स शादी भी, कोई गांव में, अभी सिटीज में कम है वो स्टिग्मा कि लड़की को चश्मा है या लड़के को चश्मा, वो तो अलग ही चीज है। बट बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के वजह से और खुद का, जैसे पहले जस्ट की पावर बढ़ रहा है आपकी आंखों का, इट इज अ वेरी सिंपल रीजन के कराने के लिए। तो इस तरह से ये ऑपरेशन का इस्तेमाल हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आपने ये बात तो साफ कर दी कि नजदीक का जो नंबर आता है 40 के बाद वो इस ऑपरेशन से ठीक नहीं होता, ये अर्ली एज में जो दूर का जिन्हें देखने में तकलीफ हो रही है उनके लिए ये ऑपरेशन है। कुछ लोगों में ये भी भ्रम है कि इस तरह का कोई एक लेंस आता है ना जो दोनों साइड को बराबर कर सकता है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक इसमें जब मोतिया आया हो, या अगर आप वैसे भी 40-50 के हुए हो और आप चाहते हैं कि आपकी नेचुरल लेंस निकाल लें, ओके, तो मैंने आपको बताया एक प्लास्टिक लेंस अंदर हम वो टाइम डालते हैं जो इतने सालों से सिंगल लेंस होती थी, आपको दूर की नजर आती थी और नजदीक के लिए चश्मा पहनते थे। वैसे अभी कुछ सालों से बाईफोकल या ट्राईफोकल, मल्टीफोकल बोलते हैं, ऐसे प्लास्टिक लेंस जो हम चश्मा में पहनते थे 40 उम्र के बाद, वैसे ही कांच आंख के अंदर डालने के लिए है। और जिनका नंबर बहुत हाई हो, -10, -15, -20, उनके लिए एक तरीका है जो आपकी खुद का लेंस या मोतिया ऑलरेडी थोड़ा सा शुरू हुआ हो, तो आप उसको निकाल के आप रुके मत जब तक वो पक गया हो और ये हो, और एक बाइफोकल लेंस दूर नजदीक दोनों दिखाई दे वो आंख के अंदर डाल दे, तो इसमें आपको दोनों नजर आ सकती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 हो, 35 हो, तो नेचुरली ये ऑप्शन है नहीं, आपको खुद की नजर है नजदीक के लिए और आपको सिर्फ लेसिक से फायदा होगा। और इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि कितने नंबर तक हम इस तरह की सर्जरी को करवा सकते हैं? तो कॉमनली आप देखेंगे जो एक्चुअली पहले पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं जिनका नंबर 8, 9, 10, 11, 12 हो, तो अप टू ऑफकोर्स अभी कम नंबर वाले भी आ रहे हैं, अभी जिसका एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, और अगर -1 से भी नहीं मिलेगी जॉब तो वो तो जरूर आते हैं, लेकिन सब आते हैं -1 से लेके -10 तक, जो लेसिक में फिट हो जाते हैं, जो लेजर में, अगर उससे ज्यादा हो। यूजुअली एक तीसरा भी ऑप्शन है, एक कॉन्टैक्ट लेंस आंख के अंदर डालते हैं, उसको ICL बोलते हैं, तो वो यूजुअली जब -12, -15, -18, -20 हो, तो उसमें वो लेंस अंदर डालते हैं, वो मोतिया के जैसे नहीं, वो दूसरा ऑप्शन था कि अंदर बाईफोकल, इधर एक सिंगल लेंस ही डालें, क्योंकि पेशेंट अगर 20 साल का है, -18 नंबर है, तो उनको नजदीक की नजर खुद की है, तो सिर्फ कॉन्टेक्ट लेंस अंदर डाल रहे हैं, आंख के तो रोज निकालना नहीं पड़े, रोज डालना नहीं पड़े, और वो
अवॉइड करने के लिए वो एक ऑप्शन वो होता है। तो वर्चुअली आप देखेंगे 90% लोग -1 to 10 में आ जाते हैं। जो लोग बहुत हाई नंबर 12, 15, 18, 20, उनके लिए जो लेंस अंदर डालना पड़ता है आंख के, वो एक छोटी पॉपुलेशन होती है। तो ऐसे कुछ नहीं है, अगर आपका नंबर 1 भी हो, 4 भी हो, 6 भी हो, 8 भी हो, 10 भी हो, तो लेसिक से भी उसकी उपाय हो सकती है, इलाज हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि ये जो लेजर ऑपरेशन वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये एक बार करने के बाद कितने दिन तक के लिए होता है, ये क्या लाइफ टाइम चलता है या फिर ये बीच में खराब भी होता है? तो देखिए, अभी एक चीज है कि अगर 10-15 साल गुजर गए हो, आपने पेशेंट को 8 नंबर था, तो हो सकता है 10-15 साल बाद 1 नंबर वापस आए, वो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस से, या 1.5 नंबर वापस आए। बट जो फायदा उनको 10, 15, 20 साल तक मिला और उसके बाद भी मिलता रहेगा, बट हो सकता है 100% नहीं, 90%। तो ऐसे नहीं है कि पूरा 8 का 8 नंबर वापस आ जाता है, कि 6 का 6 वापस आ जाता है, लेकिन 10%, 15% कम हो सकता है बहुत सालों बाद। तो इसको नेचुरल रिग्रेशन या हीलिंग बोलते हैं। और अगर कोई बोले कि 40 की उम्र में रीडिंग नंबर आएगा, वो अगर आप नॉर्मल भी होते तो आता। तो जी मैंने अभी हजारों, मतलब 10, 20, 30, 40 हज़ार किए। ये मैं तो मेरे अनुभव से मैं देखता हूँ कि यूजुअली जिनका मन नहीं बना है करने के लिए, या उनके रिलेटिव्स का मन नहीं है, माँ बाप चाहते नहीं 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 कराओ, तो वो ऐसे सवाल करते, नहीं 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 वापस आएगा, नहीं 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 ये होएगा। जो पेशेंट खुद समझते हैं कि मेरे को दिखता नहीं है, मेरे को 4 फुट से ज्यादा दिखता नहीं है, कोई उपाय है कि मैं देख सकूं, उनको ये सब सवाल मन में नहीं है कि 20 साल तक ही फायदा होएगा, 20 साल बाद 10% कम हो जाएगा, 90% फिर भी बेनिफिट होएगा। लेकिन जिनका मन बना नहीं है, उनको ये सब शंका है और उन लोग ये पॉइंट्स ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं। एक सवाल ये भी मन में उठ रहा है, जैसे नंबर बढ़ जाते हैं, आपने अभी जिक्र भी किया, तो एक बार ऑपरेशन हो गया, नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्या दोबारा इस तरह का वापस ऑपरेशन हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो वापस आता है वो यूजुअली -0.5, -1, वो कुछ वापस 8, 10 नंबर वापस नहीं आता है। तो उसको बहुत इजीली 5 मिनट में वापस थोड़ा लेजर किरण देके उसको वापस ट्रीट हो जाता है। जी जी ठीक है। और अब आखिरी सवाल इसमें भी ये होगा कि इस तरह के ऑपरेशन को लेकर लोगों के मन में आज भी भ्रम है कि हम चश्मा लगा लेंगे लेकिन ऑपरेशन के लिए नहीं जाएंगे, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और उनका भ्रम किस तरह से दूर करना चाहेंगे? नहीं देखिए, हम अभी डर ऐसी चीज है कि इसका कोई इलाज नहीं होता, और हम सिर्फ हमारी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारे पिताजी भी डॉक्टर थे, उन्होंने जब हम आंख के डॉक्टर बने तो 1990 में पूरे इंडिया में 3 मशीन थी, एक उन्होंने लाई थी। तो मेरा तजुर्बा ये ऑपरेशन से जुड़ा हुआ 1990 से 33 साल हो गए। वो टाइम ठीक है, डर थी, पूरे इंडिया में मशीन नहीं थी, 3 मशीन थी, तो लोग डरते थे, अपने डॉक्टर से पूछते थे, वो डॉक्टर ने अपने शहर में कभी देखा नहीं था, वो भी कैसे हिम्मत करे पेशेंट का, पेशेंट की कोई रिलेटिव्स नहीं थे जिन्होंने कराया था। आज इंडिया में 500 से ज्यादा मशीनें हैं, शायद 600-700, हर साल 1 मिलियन प्रोसीजर होते हैं वर्ल्ड में। अगर ये प्रोसीजर में कुछ इतना बड़ा एटम बॉम्ब होता तो आज तक फूट जाता। फॉरेन कंट्रीज में जहाँ लॉयर लोग बैठे हैं कि डॉक्टर पे केस करो, तो उनको 1 मिलियन केसेस में से एक तो भी कोई पकड़ के डॉक्टर का नुकसान कर देते। तो ये वो स्टेज तो बहुत पहले खत्म हो गया। अब सिर्फ सवाल है कि आज जो भी आता है उनके दोस्तों ने करवाया है ऑलरेडी, उनके पास ऑलरेडी 2 दोस्त हैं जिन्होंने कराया है, इट इज बिकम कॉमन। तो मेरे को लगता है कि ये
स्टेज बहुत अभी अलग स्टेज पे हैं हम अभी। हाँ शायद उनको पैसे जमा करने पड़ते हैं, अभी इतने संस्थाओं में नहीं है ये मशीन, प्राइवेट में मशीन है। लेकिन मैं देखता हूँ लोग आईफोन लेके आते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि पैसे हैं कि नहीं ऑपरेशन के लिए, इतने आईफोन से तो बहुत कम पैसे लगते हैं। तो अच्छा, ये भी मैं आखिर आखिर में ये भी जान लूं कि क्या इस ऑपरेशन के या सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट होते हैं? आपने अपने तजुर्बे में कहीं ऐसा महसूस किया? साइड इफेक्ट्स हैं, सोचें कि कभी ड्राइनेस होती है, तो जैसे आपको ड्राई स्किन हो तो आप कोल्ड क्रीम लगाते रहते हैं, ऐसे हम मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स देते हैं, कुछ टाइम तक डालते रहें, या जैसे मैंने बोला ड्राइनेस के लिए आप पानी भी छांटें 4-5 टाइम दिन में, तो वो हो सकता है। आपको कुछ टाइम तक गॉगल्स पहनना चाहिए क्योंकि आपको हो सकता है लाइट से थोड़ा सेंसिटिविटी हो, थोड़ा ब्राइट लाइट्स। और अगर आप इसको साइड इफेक्ट मानेंगे कि कभी नंबर एग्जैक्टली 0 ना हो तो वो हो सकता है, बट दीज आर द माइनर साइड इफेक्ट्स, देर आर नो इस मेजर इतने साइड इफेक्ट्स। इन अ नॉर्मल वेल प्लान्ड ऑपरेशन, अगर आपने बरोबर प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग किया हो और देखा हो कि पेशेंट एलिजिबल है, तो उसमें बहुत ही कम रेयर है। ऐसे कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, पेट का हो हार्ट का हो, जिसमें पेशेंट को 100% सक्सेस हो, ऐसे तो है नहीं। या हमारी साइंस हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, 100% सक्सेस उसी भी बीमारी का किसके पास है नहीं। लेकिन अगर एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ सक्सेस हो और आपकी भी लक अच्छी हो कि आप वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ परसेंटेज में आ जाएं, तो आई थिंक आप काफी सेटिस्फाइड हो। कुल मिलाकर आंखों की जो बीमारी है या आंखों की नजर कमजोर होना एक जो शहर और ग्रामीण इलाकों में आज हम अमूमन देख रहे हैं, ये एक अभिशाप नहीं है बल्कि इसके लिए भी इलाज संभव है। आप चश्मे से भी छुटकारा पा सकते हैं, बस उसके लिए आपको हिम्मत करनी होगी और आगे आना होगा। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, सबके बारे में अवेयरनेस बता रहे हैं और उनको मदद कर रहे हैं। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और विषय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।